नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में कि आगे के क्या ट्रेंड दिखेंगे। पास 6 मंथ में स्टॉक ने लगभग 10% की रिटर्न दी है और 1 ईयर का रिटर्न भी 10% के आसपास का ही रहा है, लेकिन पास्ट 1 मंथ में स्टॉक का ट्रेंड जो है काफी अपर साइड में दिखा है और इस समय देखेंगे कि सबसे ऊपरी प्राइस पे स्टॉक जो है ट्रेड होते दिख रहा है। अब आगे के ट्रेंड या न्यूज को समझे से पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहाँ कुछ भी न्यूज नहीं दिख रही है। आगे देखेंगे तो ये डाइवेस्टमेंट वाली न्यूज ऑलरेडी डिस्कस थे। इस समय स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड आउट परफॉर्मिंग है और सेक्टर को काफी बड़े मार्जिन से, यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर को काफी बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है, और जब भी इस प्रकार के मार्जिन अपने सेक्टर के कंपेरेटिवली होता है तो वही स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करते करने वाले होते हैं। अब इसके डिलीवरी देखें, ठीक ठाक डिलीवरी भी दिख रही है। यहाँ देखेंगे तो 5 करोड़ का वॉल्यूम, जो कि हिस्टोरिकल देखेंगे तो एक बार यहाँ पे जब स्टॉक ने 295 के लेवल्स दिखाए थे तब स्टॉक का लगभग 21 करोड़ के वॉल्यूम थे, और ये न्यूज वाला दिन था। ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ये न्यूज वाला दिन था कि पेटीएम वॉलेट बिजनेस को जो है जियो एक्वायर करेगी, और इसी न्यूज के कारण ये ट्रेंड देखने को मिला था। लेकिन इसके अलावा देखेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। मैंने क्या कहा, जब भी स्टॉक के बड़े ट्रेंड हुए जो अर्लियर रेजिस्टेंस रहा था वो एक डिमांड बना है। अभी भी मैं कहूंगा कि ये पूरा जोन डिमांड जोन है, इस जोन में धीरे धीरे एक्युमुलेट करें। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी बाइंग करते हैं तो उनका जो है 240 या फिर 252 के नीचे के एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक 224 के एसएल को ले सकते हैं। और ये ट्रेंड मुझे लगता है कि 320, 460 और 600 जैसे लेवल्स भी दिख सकते हैं, क्योंकि जब एक बार ऐसे ब्रेकआउट होते हैं तो ट्रेंड नो वन कैन प्रिडिक्ट। ये एक ब्लू स्काई जोन हो गया, जैसा हमने आईआरएफसी आरबीएनएल जैसे स्टॉक्स में देखे, वैसे ही एक बड़ी तेजी को जियो फाइनेंशियल भी